मारूफ नात खान शहबाज कमर फरीदी से मिलने जौहर टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। भाइयों और दोस्तों के हमरा बाहर आकर इस्तकबाल किया, गुलपाशी की गई। आपका ताल्लुक बाबा फरीद शकरगंज की धरती पाकपतन से है, वहाँ के तो कवाल बहुत मशहूर हैं, नात खानी में आपने नाम पैदा किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? असल में मेरे वालदे ग्रामी उधर ही बाबा हजूर के आस्थाने पे खादम थे, तो उन्होंने ही शौक पैदा किया कि बेटा नात शरीफ पढ़ा करो तुम। तो फिर दरबार शरीफ में जुमे को मैं पढ़ा करता था, तो वहाँ से फिर ये शौक़ बढ़ता गया। आपके नाम के साथ जो फरीदी का लफ्ज़ है, ये बाबा फरीद शकरगंज की वजह से है? जी बिल्कुल, हजूर बाबा साहब की निस्बत की वजह से। ये वहाँ के जो सजादा नशीन थे, तो वो बचपन में मैंने एक नात पढ़ी थी वहाँ दीवान साहब की कचहरी में, तो उन्होंने फिर ये मुझे बुलबुले फरीद फरीदी का लकब दिया था। ज़माना तालबिल्मी से ही नाते पढ़ रहे हैं, क्या आपकी तालीम पर भी इसका फ़र्क पड़ा? कितना पढ़े हैं आप? बचपन से, क्योंकि नात खानी वाला साहब ने तरबियत की स्कूल में कॉलेज में पढ़ते, क्योंकि बचपन में वाला साहब फौत हो गए थे, तो मैं ज़्यादा तलीम आगे नहीं बढ़ सका, एफए तक की कंप्लीट की, उसके बाद फिर अपने बिजनेस और नात खानी में मसरूफियत रही। नात की क्या बाकायदा तालीम हासिल की? किसी खान साहब के सामने जानू अदब तय किया या किसी नात खान से सीखा? जी शुरू में तो मेरे वाला साहब ने ही मुझे सिखाते रहे, बाद में आस्ता आस्ता क़िबला मोहम्मद अली ज़ोरी कसूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास भी जाना हुआ, अब्दुल जब्बार कादरी साहब, फिर ज़्यादा मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद मेर अली शेर अली साहब, यूसुफ मेमन साहब से बड़ी उनकी खिदमत की, उनसे दुआएं ली और बड़ा कुछ सीखा। उस्ताद राहा साहब से काफ़ी उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है काफ़ी। तो बाकायदा सुर और मौसीकी की आपको पहचान है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुर जानते हैं? उस्तादों की खिदमत की है, जितना ज़रूरत होती है उतना इस्तेमाल करना जानते हैं। आपकी कई नातें गानों की तर्ज पर हैं, तो इस पर लोग एतराज़ नहीं करते? इतनी वो मशहूर नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में तो पहले पढ़ते रहे हैं, जैसे ज़ोरी साहब पहले दौर जो था आज से 20 साल पहले, तो उस मुनासिब था, क्योंकि अब चेंज आ गया महाफिल नात में भी, तो इसलिए वो टून तो पहले शायरी लिखते हैं, शायरी देते हैं कि जी इस टून पे हमने लिखा है, तो कोशिश तो करती हैं कि मैसेज जो है वो जाए, जो गाना सुन रहा है बजाए गाना सुनने के वो नात सुने। आपकी सीरीज़ ने फरोख्त के रिकॉर्ड कायम कर दिए और बल्कि आपको इस बिना पर अवार्ड भी मिला। कितनी सीरीज़ अब तक आप करवा चुके हैं और सबसे मशहूर कौन सी थी? मेरी सर 25 सीरीज़ जो मकबूल हुई हैं, और इंटर स्टार यूके बड़ी कंपनी है वो इंग्लैंड से, उन्होंने मुझे गोल्डन डिस्क अवार्ड भी दिया, सिल्वर डिस्क अवार्ड भी दिया, ये जिनकी सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है, और नात खानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अवार्ड मिला है। एक बड़ी मकबूल नातें मेरी हैं, आँखा मेरी अखियाँ मदीने बच रह गई हैं, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। कवालों के बहुत करीब रहे, कवाली सुनते रहे, कवाली का आपके कलाम पर कितना असर पड़ा? बचपन से ही असल में वहाँ दरबार शरीफ से रिलेटेड रहे हैं, तो फिर चिश्ती भी हूँ फरीदी भी हूँ, तो इसलिए तो ये हमारे अंग अंग में कवाली, तो महफिल समा जो है समा तो फिर हमारे अंग अंग में बसी हुई है, तो कवाली फिर चिश्ती हैं, कवाली ना सुने ये तो हो ही नहीं सकता। महफिल नात में जाने से पहले क्या रिहर्सल करते हैं? मैंने देखा था इंडियन जो गुलकार हैं वो बाकायदा गले की एक्सरसाइजेस करते हैं। जी जब कोई नया कलाम पढ़ना हो तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करते हैं हम, तो और वरना तो रूटीन वर्क में हम प्रोग्राम पे डेली जाना है, ये प्रैक्टिस ही हो रही है। गला ख़राब हो, गले में खराश आ जाए, फिर क्या करते हैं? उसके लिए उस्तादों ने बताया कि वो ये गर्म पानी से गरारे वगैरह करके या कोई टैबलेट वगैरह वक्ती तौर ले लेते हैं और उससे काम चल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर मैं माजरत ही कर लेता हूँ कि जी इस तरह तुम परफॉर्म्स करना या हाज़री देनी वो मुनासिब नहीं है। कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात के सामने नात पढ़ चुके हैं? कोई वीआईपी, कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म?
बुज़ुर्गों में तो क़िबला शाह मनुरानी साहब, अब्दुस्सान अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर अतीक़ क़ुरबान साहब, सैयद मुजद्दी साहब, और जो सियासी दूसरे हैं उनमें से परवेज़ मुशर्रफ़ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज़ शरीफ साहब, परवेज़ इलाही साहब और सरदार तारिम नक़वी साहब, हर साल वहाँ जाना होता है। हर वज़ीर आला साबिक जो थे उनकी बरसी पे। किसने सबसे ज़्यादा हदिया तबरीक पेश किया, किसने ज़्यादा अप्रिशिएट किया? सबसे ज़्यादा तो मियाँ साहब ने भी बड़ा प्यार किया है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। मदीना शरीफ में तकरीबन हर साल वो महफ़िल ओबराय में होती थी तो याद करते थे। बड़े उन्होंने नवाजा, नकाही सबान ने भी, अटिका साहब ने भी बड़ा प्यार किया। सबसे ज़्यादा नजराना कब और कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा नजराना मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था, बल्कि फ्रांस में था, तो वहाँ अदारा मनाजुल कुरान का एक प्रोग्राम था, तो वो लाइव जा रहा था मैं, तो उस वक्त लाइव कॉल आ गई तहरुल कादरी साहब की, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप बैठें, इनकी खिदमत करें आप। तो वो फिर सारे वहाँ से जनाब जितने भी चाहने वाले सर उठे, तो काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, वो तकरीबन हो गया था कोई पाकिस्तानी 25-26 लाख रुपये एक ही दफ़ा। हाँ जी, वो इतफाक हुआ ऐसे। आजकल तो रिवाज बन गया है कि नात खान पहले से तय करते हैं कि मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं फिर आऊँगा, आप भी ऐसे ही करते हैं? अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कहने की, आपको पता भी सफ़र में जाना है कराची या पेशावर इस्लामाबाद, तो लोग खुद ही ख्याल करते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टिकट देते हैं? हाँ जी, टिकट देते हैं। जी। कितने लोग जाते हैं? मैं अकेला हूँ, अगर मुझे अकेला बुलवाते हैं तो फिर मैं अकेला चला जाता हूँ, वरना अपनी टीम के साथ मैं चला जाता हूँ, कराची जाना हो, इस्लामाबाद। आपकी भी फ़ीस तो होगी, कितनी फ़ीस है? मैंने तो कोई ऐसी पक्की नहीं रखी हुई, ना फीस ऐसी लचक रखी हुई आप? बस प्यार करती हैं सारे अहबाब, जो भी कर दें, मैं कभी ज़्यादा। हमारे नात खान आजकल रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहनते हैं, आप भी ख्याल करते हैं इसका? मैं तो इसी तरह आपके सामने हूँ, शुरू से लेके यही टोपी आपको नज़र आएगी, यही वास्कर नज़र आएगी, इसी तरह ही कपड़े नज़र आएंगे, को मैंने कभी रंग बिरंगे नहीं पहने। लेकिन ज़्यादातर लोग वीडियोस में बनाने के लिए ज़ाहिर कलर का इंतखाब वगैरह करते हैं रात जो, लेकिन मैं इसी तरह सिंपल वेस्ट कोट विद सिंपल सूट। मौसीकी और दफ़ के साथ भी आजकल नात पड़ी जा रही है, आपने भी ये तजर्बा तो किया है? जी, पहले मैं 20 साल तो बग़ैर दफ़ के ही पढ़ता रहा हूँ जितने मेरे कलाम मशहूर हुए, लेकिन मैं जब से यूके गया हूँ यूरोप, तो तब मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे हैं वो बीट को पसंद करते हैं, तो फिर मैंने ये दफ़ के सहारा लिया कि लोग लाइक करते। मैंने तो वैसे ही अपने ज़ौक को सामने रखते हुए एक CD रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो अल्लाह के फजल से मैंने तो वैसे ही अपने ज़ौक के लिए रिकॉर्ड कराई, लेकिन वो इतनी हिट हो गई कि पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल है। फिर मैंने फिर दफ़ के सहारा लिया, और दफ़ सरकार ने भी सुनी है, और उलमा इकराम की इजाज़त से भी फिर हमने उन्होंने कहा कि आप पढ़ लें, कोई ऐसी बात नहीं, तो फिर मैंने सीरीज़ वगैरह रिकॉर्ड करवाई हैं दफ़ के साथ, वो बड़ी मकबूल हुई। के तय खाने में आए दरबार बाबा फरीद पाकपतन के सजादा नशीन दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती और जश्न फरीद कमेटी के सदर अली उमरान होतियाना भी घर पर मिलने आए। दीवान साहब ये फरमाएं कि ये दरबार फरीद से वाबस्ता हैं, नात खान हैं, आलमी शोहरत मिल गई इनको, तो आपको इनकी नात सुनकर, इनको देखकर, इनकी शोहरत देखकर क्या एहसास होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपने इनके नाम के साथ फरीदी बताया है, तो इनकी नस्बत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के साथ है, और ये पुराने मतलब पाकपतन शरीफ के रहने वाले हैं, और इनके आबाओ अजदाद भी इसी दरबार से वाबस्ता थे। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको एक आवाज़ दी है और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी का जो इन्हें ये करते हैं, इसके अंदर इनको जो इज़्ज़त मिली है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हजूर बाबा साहब की निस्बत की वजह से इनको इज़्ज़त मिली है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि कम अज़ कम हमारी दरगाह से वाबस्ता या हमारे शहर से वाबस्ता एक आदमी, एक आलमी
शोहरत याफ्ता सना खान है। और ये वहाँ पे भी दरबार पे भी सना खानी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं सना खानी, जब भी कोई महफिलें होती हैं तो उधर भी ये आते हैं, और ये बाकी महफिलों के नस्बत दरबार को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि अगर उस दौरान इनकी कहीं और भी महफिल हो तो ये दरबार पर हाज़िरी लगाए बगैर कहीं नहीं जाते, ये भी इनके ख़ास बात है। आप हर साल जश्न फरीद भी कराते हैं और आपकी दोस्ती भी है, जश्न फरीद कितना बड़ा होता है और इस तरह की महाफल कितने साल से करा रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जश्न फरीद कोई 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और 30 साल से ज़्यादा अरसा शहबाज कमर फरीदी साहब के साथ मेरी दोस्ती को हो गया है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी महफिल नात लोगों के एतबार से, बाकी तो हजूर की नात सब भी बड़ी महफिल होती है लेकिन लोगों के एतबार से सबसे बड़ी महफिल नात बाबा फरीद में होती है। जश्न फरीद वहीं होता है पाक पतन शरीफ में, और दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती साहब की सरपरस्ती में होता है, और उधर ही हम करवाते हैं जिसमें हम उम्रे के टिकट जहेज़ वगैरह तमाम लोगों को देते हैं। अब जश्न फरीद फाउंडेशन जो है वो पाक साहिवाल में सर लंगर दे रही है, लोगों को राशन दे रही है, इसको कोई चंदा सिस्टम नहीं है, कोई हम चंदा नहीं लेते हैं। नात की आपने बहुत सी महाफल में शिरकत की है, सबसे बड़ी नात की महफल कहाँ हुई? 30-35 साल की कैरियर में सबसे बड़ी जो महफ़िल हुई है वो साहिवाल में पी सैयद इमरान शाह साहब MNA भी हैं और दैमल हजूरी के सजादा ने उन्होंने करवाई, जहां मेरे ख्याल में पूरा स्टेडियम फुल था, लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी, जिसमें 100 उम्रे के टिकट थे, 100 बच्चियों को जहेज़ उन्होंने दिया, और पाकिस्तान के नामवर सभी टॉप 10 नात खान उन्होंने याद किए, और बहुत कामयाब वो हर साल महफिल होती रही। नात खान हजरात के भी बड़े फैंस हैं, आपके फैंस दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और वो किस तरह से आपको बुलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इंग्लैंड, यूरोप, मिडल ईस्ट सभी प्यार करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ज़्यादा जाना होता है तो वहाँ हमारे इंटरनेशनल नात एसोसिएशन के लोग हैं, जो मियाँ नईम तैर साहब, कारी जबेद साहब, मियाँ मोहम्मद खुशतर साहब, कारी सप्तान साहब, वो आर्गनाइज करते हैं और सब नात खानों को उधर इंग्लैंड बुलाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे काजी अब्दुलजी चिश्ती साहब, काजी अता साहब, सराज साहब, वो भी स्पेशली वहाँ प्रोग्राम लूटन में, लंदन में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें बुलाते हैं। शहबाज कमर फरीदी बहुत खूबसूरत नात पढ़ता है, और मैं इसकी नात को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। इसने पूरी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई में गुजारी है, और तवील ज़माने से मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर इतिकाफ़ के दौरान हम हमेशा शहबाज कमर फरीदी को एहतमाम के साथ बुलाते हैं और इसकी नात को सुनते हैं, और कभी मुझे टेलीफ़ोन करता है तो ऐसा भी हुआ है कि टेलीफ़ोन के दौरान भी मैंने इसकी नात सुनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमेशा तौफीक दे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात को ज़ौक़ो शौक़ से और ईमानी वलवले के साथ पढ़ता रहे, और इस नात के नूर से अपनी ज़िंदगी और दूसरों के सीनों को मुनव्वर करता रहे। इस्लामाबाद से नात ऑर्गेनाइज़र सैयद बशीर हुसैन शाह भी घर मिलने आए। घर से रवाना हुए, फोर्स क्लब पहुंचे, दोस्त अहबाब ने इस्तकबाल किया, पाकिस्तान भर से महफिल नात के ऑर्गेनाइजर और दोस्त अहबाब को अफ्तार डिनर पर मदऊ किया। साबरी, नामवर नात गो SM सादिक और कवाल शेर मियां दाद भी अफ्तार डिनर पर आए। रोजा
गिरफ्तार किया। नमाज मगरब अदा की। तकरीबन दुनिया के हर बड़े फनकार ने गाए, उसमें कोई भी शख्स नहीं। अजीज़ मियां कवाल, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कवाल, शेर मियां दास साहब कवाल, बदर मियां दास साहब कवाल, अताउल्ला ईसा खेलवी का मेरा 700-800 गाना है, शौकत अली साहब का मेरा 600-700 गाना है, और सोनू निगम ने मेरे तकरीबन 450 गाने गाए हैं। दलेर मेहदी के मैंने 1.5-2 घंटे में 20 गाने लिखे हैं, 200 से ज़्यादा नाते ये पढ़ चुके हैं मेरे। उसमें ये आका मेरी अखियाँ मदीने में रह गई, दाई हलीमा देवे सोने नू लोरियाँ, आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, राई आवे मदीने जान वालिया, थले आका दा महला उत्ते अरश महला, अपना मैं ख्वाब च आका वेखे सन, मतलब एक ख्वाब सुनावा जो कि राहत फतेह अली खान साहब ने भी पढ़ी है, बहुत नाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इनकी आपको बताना चाहता, अभी मौजूदा दौर में जो है ना, वो शबाज़ कमर का जो गला है, ये ऊपर भी उतना ही बोलता है, नीचे भी उतना ही बोलता है, और इनका जो स्केल है ये होता है कुदरती तौर पे किसी बंदे को रब अता करता है। अगर उन्हें किसी गुलूकार दी आवाज़ ना मिले, कलाम जिन्ना मर्जी अच्छा हो, वो किताबें ही प्यार है, वो दिलों तक तद ही पहुँचता जो उन्हें अच्छी आवाज़ मिलती है। तो शबाज़ कमर फरीदी साहब ने मैं समझना कि नातों के मैनू जिनी शोहरत इन्हों दो बंद तो मिली, एक राहत फतेह अली खान साहब और एक शबाज़ कमर फरीद, उन्हें किसी नात खां को। इनके बारे में यही कहता हूँ कि लेजेंड आदमी हैं, और दूसरा हम एक ही मालिक के दो नौकर हैं जिनका नाम है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिखर रहमतुल्लाह अलैह, और जिनके आज दिनशीन हमारे दीवान अजमत साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए बड़ी, हम बहुत लकी हैं। शहबाज़ फरीदी ये मेरी जान भी है, मेरा भाई भी है, इससे मेरे बड़े रिश्ते हैं प्यार वाले, लेकिन जब इज़्ज़त की बात आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि शहबाज़ कमर फरीदी हमारे पाक पद्म शरीफ का एक ऐसा नाम है। कहीं भी मैं तकरीब पे जाता हूँ, जब कोई कहते हैं शहबाज़ कमर फरीदी पाक पद्म, तो मैं इतना खुश होता हूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पाक पद्म को शहबाज़ कमर फरीदी साहब या शेर मियां दाद खान, तो अल्लाह पाक ने पाक पतन की सरजमीन को ये तोहफे दिए हैं। तोहफे तो उधर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे बाबा साहब के जो हम दो नौकर हैं, इन पे आपको रहमत नज़र आएगी। और शहबाज़ कमर फरीदी जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है, और मुझे ये बहुत पसंद है, इनकी नाते बहुत पसंद है, और अपने भाई के लिए हमेशा मैं दुआ गूँ, अल्लाह पाक इसको और इज्जतों से नवाजे, और ये शहबाज़ कमर है और ये कमर बन के चमके। तो तकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। बच्चों से मुलाकात की। आप बताएं, आप अपने फादर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और आप किस बात पे उनसे नाराज़ होते हैं या आप उनको टोकते हैं? नाराज़ तो नहीं होते हम लोग, बस कभी कभी टाइम नहीं होता, इनकी मसरूफियात वैसी होती हैं, महफिलों पे आना जाना, और बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं हमें। ये हमारे बाबा नहीं, फ्रेंड है, हम दोनों अपना जो हमारा दिल करते हैं बाबा से शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये मजहबी माहौल से हैं, नाते पढ़ते हैं? नहीं नहीं, उसकी वजह से कोई सख्ती नहीं करते? नहीं नहीं, उससे नहीं करते, लेकिन साथ साथ चलता रहता है। मजहबी भी हम लोग क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, दीनी तलीम भी हासिल कर रहे हैं, साथ दुनियावी भी। और ये बताएं कि आप भी नात पढ़ते हैं? जी हाँ, पढ़ते हैं जी। ये आपके वालिद जो हैं, बाकी वालिदों के मुकाबले में कैसे हैं? बाबा की जहाँ तक बात है जी, बाबा भी फ्रेंकली बाबा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाबा में बाबा वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनको बस ऐसा कोई इल्म है, इनको फौरन पता लग जाता है मुझे जब भूख लगी हो, चाहे रात के 3 बज रहे मुझे उठा के कह देंगे तुम्हें भूख लग रही है, आओ चले। आई वॉज़ लाइक ओके, आ जाए चले। कहाँ जाते हैं फिर
उठ के बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर देसी खाना बाबा के साथ खाने में मज़ा आता है, लेकिन डिपेंड्स पे टाइम पे डिपेंड करता है। अगर चीज़ें ना बंद हुई हों तो वेस्टर्न खाना बहुत खाने में पसंद है। बाबा में एक चीज़ अच्छी लगती है कि बाबा जितनी लोगों में सखावत करते हैं जी, वो बाबा की बेस्ट थिंग है कि इन्होंने देखना कौन कैसा है। मतलब आई लव हिम, ये जितनी सखावत करते हैं और दिल खोल के, ये इनकी बेस्ट चीज़ है जो कि मुझे दिल से अच्छी लगती है। और नाराज़ मैं इनसे एक बात पे होता हूँ, ये सोते नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल कम इनका स्लीपिंग टाइम है जी। आप भी नात पढ़ते हैं, कोई दीनी तालीम हासिल की? जी जी, साथ साथ दुनियावी की दीनी तालीम जारी और सारी है। नात सिर्फ मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, किसी को आज तक सुनाई भी नहीं। मेरा नाम फैज़ है और मैं लकास से ओ लेवल्स कर रही हूँ विद प्योर साइंसेस। आप भी नात पढ़ती हैं? नात उस तरह तो नहीं, मतलब बस अपने लिए। शहबाज साहब माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत सिंधी टोपी, ये कलरफुल वेस्ट कोट, ये कीमती घड़ी और ये अंगूठियाँ, ये कहाँ कहाँ से आई हैं? हाँ सर, ये तो सब मालक की अता है जी, अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक का सदका है सब कुछ। मेरा हस्ती पे अजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। सिंधी टोपी मैं शुरू बचपन से ही, जब से नात खानी का आगाज़ किया था तब से ही पहन रहा हूँ। ये मैं सखी शहबाज़ कलंदर जाता हूँ तो वहाँ से लेकर आता हूँ। और बाकी ये अंगूठी जो है, ये मैं अभी ज़ियारात पे गया था तो वहाँ एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने ये मुझे दी थी कि ये पहनो। वैसे भी यमनी हकीक जो है सुन्नत है सरकार की जो मैं पहनता हूँ। और ये दूसरा? और ये भी हकीक है, इसमें इज़्ज़तुल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो ये हकीक पहना है। और घड़ियाँ? घड़ियाँ मेरे पास काफ़ी, मेरे शौक़ है घड़ियों का। मैं एक ख्वाब होता है इंसान का बचपन में, अब तो वो ख्वाब मालिक ने ऐसा बदला कि मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता जो मेरे जज्बात हैं, कि अल्लाह ताला ने इस तरह से शौक़ पूरे किए ना, उस मालिक का करोड़ा शुक्र। आपके पास कितनी घड़ियाँ हैं? मेरे पास हैं 3-4 घड़ी, ये मैंने मदीना शरीफ से ली थी। सबसे कीमती घड़ी कौन सी है और इनकी क्या कीमत है? 7 लाख रुपए की और 4 लाख की। मदीना शरीफ में भी आपको नात पढ़ने का मौका मिला होगा, उस वक़्त क्या जज्बात थे? जब मैं पहली दफ़ा सरकार की बारगाह में गया हूँ तो उस वक़्त अजीब मेरी कैफियत थी, बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये कोई 3-4 साल पहले मैं इसी रात को रमज़ान शरीफ में, तकरीबन कोई 25-30 साल हो गए मुझे जाते हुए, ईद मैं वहीं करता हूँ रमज़ान शरीफ। अभी भी मैं इंशाल्लाह थोड़े दिन तक उम्रे पे जा रहा हूँ, ईद वहीं सरकार के कदमों में करूँगा। तो रात का टाइम था कोई तहज्जुद के बाद, तो मैं हुज़ूर के कदमैन में ही वहीं खड़ा था। तो मैं सरकार से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, को इतने अरसे से आ रहा, कोई ऐसा इनाम अता फरमा दें। ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके इंटरव्यू में बताने लगा हूँ, वरना मैं कभी ये बातें जो इंसान के साथ होती हैं बड़े राजो नियाज की, ये बताई नहीं जाती। तो मैंने ऐसे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा इनाम अता कर दें। यकीन करें, एक लम्हा नहीं हुआ तो वो कदमैन उन्होंने बंद किया होता है रमज़ान शरीफ में, तो वो उन्होंने कनात खोल दी। उस वक्त फौरी मैं हजूर के कदमैन में पहुँचा, उजाली मुबारक को सीने से लगा ली, और हजूर के घर का जो दरवाज़ा है जहाँ वो ताला पे लिखा हुआ है हुवल हबीबल्लज़ी तुर्जा शफातहू, तो मैं हजूर सरकार के उस जालियों से, दरवाज़े से चिपट गया हूँ। और वो जो कैफियत मुझ पर गुजरी है वो मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसी कैफियत। आपको राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ एक नात में डुएट का मौका मिला, वो तजर्बा कैसा रहा? राहत फ़तेह अली ख़ान से आपने सीखा भी है? जी, ख़ान साहब मेरे उस्ताद भी हैं जी, और बहुत शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं बच्चों जैसा। तो एक नात हम एसम सादक साहब की, वो हमने रिकॉर्ड कराई थी उनका ड्यूट मेरे साथ, और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने बड़े शफकत की। तेरे दर उत्ते आ गए दीवाने सोनिया, ये बड़ी मकबूल हुई, उनके साथ ड्यूट किया था। राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? जी, बड़े लोगों के साथ तो ये तो एज़ाज़ की बात है जी, और बड़ा अच्छा रहा। हमेशा भी जब भी उनके पास आना जाना होता है वो शफकत फरमाते हैं, बड़ी तरबियत करते हैं, बड़ा आला अंदाज से समझाते हैं कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। आपको हज अकबर का मौका भी मिला, उस वक़्त क्या तासुरात थे?
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 हज किए हैं जी, और एक हज अकबर किया था, वहाँ भी एक अजीब ही लुत्फ था। मैंने VVIP भी हज किया है और वैसे भी हज पे गया हूँ, लेकिन वो हमारे वहाँ मदीना शरीफ में दो सूफ़ी दरवेश थे, तो वहाँ मेरे एक नाथ खान साथी भी साथ थे, नूर साहब और मैं भी, तो वहाँ जो हमने हज का लुत्फ आया है हज अकबर पे, उस वो अभी तक मुझे याद है, वो अजीब ही एक वाकई वहाँ जा कर जो कैफियत बनी है ना, वो क्या कहनी, सुभान अल्लाह, मालक की ख़ास करम था, मालक की ख़ास इनायत। कितनी ज़ुबानों में नात पढ़ चुके हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी ज़ुबानों में, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, सिंधी, सराकी, पश्तो, सभी ज़ुबानों में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। नात ही ज़रिया आमदन है, कोई और बिजनेस भी करते हैं जी? ये तो सब सरकार की नात का सदका ही है, लेकिन मैं पार्ट टाइम भी अपना मामला किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उधर से भी। क्या बिजनेस करते हैं? प्रॉपर्टी करते हैं जी? प्रॉपर्टी के अलावा मैंने ज़मीन का कुछ ठेके लिए हुए हैं और साथ दुकानें वगैरह का, वो आ जाता है किराया वगैरह भी, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र गाड़ी चल रही है। आपने बहुत शायरी पढ़ी, बहुत सुनाई, आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है? मैं जब तन्हाई में होता हूँ तो मैं खुद ही अपने अशार मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के पढ़े हुए हैं, तो वो सुनता हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का।